अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि आज जो रोज़ा है, रोज़े तो काफ़ी 3-4 हो गए हैं लेकिन अभी रोज़े की हालत में हूँ और घर वालों ने मुझे बताया है उधर खेतों में जाओ और जो है काम करो। वहाँ मशीन आई हुई है तो वो फसल के लिए जो है दाने निकालने फसल से, तो वहाँ पर जाओ जाके काम करो। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे बात है, ये रोज़े का जो है वो टाइम है जिसमें जो है रोज़ा असर अपना जो है दिखाता है, तकरीबन 5 के करीब टाइम है। दोस्तों मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो है उतना टाइम जो है मैं गुजार सकता हूँ यहाँ पे वहाँ जाने तक, उतना टाइम उधर जाए ताकि जो है ना मैं कम टाइम जो है वहाँ पे जाऊँ और कम काम करना पड़े ताकि रोज़ा जो है मुझे ज़्यादा तंग ना करे। तो इसीलिए जो है अभी बैठा हुआ यहाँ पे। ये रिक्शा मेरे मामू का है, तो मतलब इनके घर से होते हुए जा रहा था तो नीचे ये रिक्शा देखा इसमें कोई नहीं है, तो मैं सोचा कि वहाँ पर थोड़ा सा जो है रेस्ट कर लूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क पहन लिया और साथ में जो है कैप भी रख ली सर पे, ताकि जो है ना इसकी जो है काफ़ी वो होती है डस्ट वगैरह, तो इससे जो है बच सकूँ जो है मुंह में जो ना जो है एलर्जी वगैरह ना हो, इसलिए जो है ये सेफ्टी अपनी जो रख ली है। साथ में चादर भी जो है ये बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ों में, ताकि जो है बंदे की सेफ्टी हो सके। तो अभी मैं वहाँ पर देख रहा हूँ जो है ना, वो अभी जो है वहाँ पर सेटिंग में ऐसे कर रहे हैं, अभी वो मशीन जो है लगी नहीं है सही। दोस्तों ये आप देख सकते होंगे कि ये जो है ना ये लोग नज़र आ रहे हैं थोड़े से मशीन को सेट कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो है ऐसा सीन है अभी अभी जो है आप सोच सकते हैं जो है मेरी कैसी कैफियत होगी, क्योंकि जारी बात है जो है ना वो रमज़ान भी है साथ रोज़ा रखा हुआ है, तो काम बहुत ख़राब है इस वजह से। चलो दुआ करें कि जो है ये काम अच्छे तरीके से जो है ख़त्म हो जाए। दोस्तों यहाँ से मैं गुजर रहा था लेकिन ये देखो कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है मैं रेस्ट कर सकता हूँ थोड़ी देर। तो आओ मेरे साथ मिल के जहाँ पे थोड़ी रेस्ट करते हैं, अभी चलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो है मेरी सलवार और है और जो है कमीज़ मेरी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका ये मतलब ये है कि जो मुझे टाइम बिल्कुल ही नहीं मिला, मैं जो है बहुत जल्दी से जो है वहाँ से जो है घर से आया हूँ। घर वालों ने कहा है कि फ़ौरन आप जाएँ वहाँ पर जो है नौकर वेट कर रहे हैं, तो पुराने कपड़े लगाने पड़ते हैं। जो कपड़े मिले मुझे मैंने उठा के पहन लिए और जो है फ़ौरन भागा भागा आ गया। ख्याल से शायद जो है ऊपर जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह हिम्मत देगा इंशाल्लाह जो है मैं रोज़े को पूरे करूँगा। रोज़ादारी बात छोड़ना तो होता नहीं, हमें बेशक रोज़ा सख्त से सख्त हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगे, भूख लगे, लेकिन आपने रोज़ा नहीं छोड़ना होता। तो दोस्तों आओ हम अपना जो है सफ़र जो रह गया है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, वो देखें आप, अब ये भी स्टार्ट हुई है, तो देखते हैं क्या सीन है। ये देखें कितनी डस्ट वगैरह है, धूल है। ये है गंदम सारी, दोस्तों यहाँ पे जो है एक ये पट्टा था जिसे पता नहीं क्या बोलते हैं कि आपकी जुबान में, पता नहीं हमारी जुबान में जो आप देसी जुबान में पट्टा बोलते हैं, तो वो था जो वो यहाँ से टूट गया है, तो अभी वो उसके हम वेट कर रहे हैं बेसिकली। दोस्तों ये आप देख सकते हैं पीछे अभी इतनी सारी जो है गंदम ये रह गई है, अभी स्टार्ट ही किया था तो बस जो है ना इसके अंदर हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या सीन है। ये आप देख सकते हैं ये जो गंदम है, अभी मशीन ऑफ है इसलिए जो है इसके अंदर मैं हाथ लेके जा रहा हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, ये ना हो कि मशीन चालू हो आप इसके अंदर हाथ दे दें तो आप मुकम्मल तौर पर जो है इसके अंदर चले जाएँगे, मेहरबानी करना आपने। तो ये जो है ना यहाँ से हम जो है ये को इसको उठाते हैं यहाँ पर डालते हैं, तो जो है ना इसके अंदर जो है सिस्टम होता है, पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे घूम चूम के आखिरकार जो है हमें दाने जो है मिल जाता है। पूरी बात ये है कि यहाँ से उठाओ इसके अंदर डालो, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होकर उसके बाद जो है यहाँ से आप दाने निकलते हैं। तो दोस्तों अभी जो न्यूज़ आई है वो ये न्यूज़ आई है कि इस मशीन का जो पट्टा था वो नहीं मिला, क्योंकि शॉप बंद हो गई है तो अभी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से जो है इसको जो है हम डिले कर दिए एक दिन के लिए, जो कल सुबह ये कह रहे हैं कि जो है ये हम आएँगे तो इसको जो है ये मुकम्मल करेंगे प्रोसेस। तो अभी जो है छुट्टी होगी हमें, तो ये आप पीछे जो है देख सकते हैं, मुझे डर भी लग रहा है साथ शूट कर रहा हूँ। ये आप पीछे जो देख सकते हैं ये जो है गाय है, तो
ये देखे पेरेंट आ रही है, आपको मैं इसका जो है पूरा दिखाता हूँ कि काफ़ी बड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे भैंस हो कोई। तो आप देखें इसको, ऐसे नजर आता है जैसे भैंस हो गई है बेचारी, जो है इसकी सेहत इतनी ठीक नहीं है। दोस्तों रात को फोन आया कि न्यू मशीन आ गई है तो आप आ जाएं फिर से, गेम ऑन है। दोस्तों बहुत मुश्किल काम है ये। दोस्तों यहाँ पे जो है बारिश का मौसम भी बन रहा था तो मशीन भी जो है वो इतना तेज नहीं चल रही थी, तो हमने जो है वो यहाँ पे तेज काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई इधर जो है गंदम की जो है दरमियान में ही काम कर रहे थे हम, इसके दरमियान में ही बारिश स्टार्ट हो गई है, काफी जो है इसके डिस्टर्बिंग हो रही है। तो ये जो काम करते वक्त जो है बारिश हो गई थी तो ये काम जो है वहीं पर रुक गया था, तो ये काम हो नहीं सका, लेकिन दूसरे दिन जो है वो ये काम हो गया था मुकम्मल, लेकिन मैं दूसरे दिन गया नहीं था। दोस्तों ये था पार्ट वन, इसके बाद अभी पार्ट टू आएगा जो कि मैं अपने बेला जा रहा हूँ सेकंड होम तय जान के घर, वहाँ पे जो है इस यही प्रोसेस जो है वहाँ पे भी जो है होगा ये, तो उसके बाद मे भी पार्ट थ्री भी आए अपने जो घर है अपने मुकम्मल तौर पर अपना जाती जो घर है वहाँ पे जो है ये प्रोसेस होगा, तो ये गन्ना वाला तो वो भी शायद इंशाल्लाह जो है मैं आपको रिकॉर्ड करके जो है आपके सामने लाऊँगा। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों नीचे फीडबैक दादम दें ताकि मुझे पता चल सके कि क्या लोग जो है इसके बारे में रखते हैं राय, कि कैसा था, अच्छा था, उनको क्या चीज़ अच्छी लगी, उनको क्या चीज़ जो है वो चाहते हैं कि इसमें और नेक्स्ट व्लॉग में वो चीज़ शामिल करूँ। तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।